सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसे आप सब पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों का अध्ययन करें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन्हीं स्थिति को मैं आप लोगों को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मॉडल सेट लेके आया हूँ। तो आप, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। मैंने जितने भी मॉडल सेट महत्वपूर्ण होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को किस चीज़ का चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्प्लीट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में। बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए, मैं सभी को जो मॉडल सेट होगा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। सो यहाँ पे आ चुका आपके सामने कुछ प्रश्न, जैसे देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे जो है हम लोग का ये जो 50 मार्क्स हिंदी वाला है जो सेट नंबर 3 होगा, आप इससे पहले 2 सेट अपलोड हो चुके हैं तो आप लोग नहीं दिख रहे तो देख लीजिएगा जाकर के, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, आप लोग अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए, कुछ भी तैयारी नहीं किए, तो आप लोग के लिए एक सुनहरा अवसर है कि मेरे पास जो है प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक विषय के 5-5 सेट PDF अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए, उसे लेने के लिए, तो आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है 8710775306। ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आके मैसेज कीजिए और अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए। वहाँ पे आपको उस PDF को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन प्रश्न जो बाहर से आपको नहीं पूछाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का अगर चाहते हैं PDF तो व्हाट्सएप में कमेंट कीजिए, उसके कुछ नियम और शर्तें हैं तो आप लोग देख करके उस PDF को ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है, सॉरी, यहाँ पे महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 का सी हो जाएगा, यानी महाजोर ऋषि। क्या हो जाएगा? महाजोर ऋषि, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है। कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देख पा रहे, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी दृढ़ निश्चय करना, कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा करा देख पा रहा हूँ क्या करा है, जिसके 10 आनन है, जिसके 10 आनन है उसे क्या कहते हैं? देखिए दिया हुआ आपके सामने में, दसन है, दसानन है, दसनन है और दसज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दसानन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा, देवता शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी देवता क्या क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा? देवता जो है पुरुलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख पा रहे, बुढ़ापा शब्द है, यानी बुढ़ापा शब्द जो है ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिगत संज्ञा, या फिर भाववाचक संज्ञा, या फिर द्रवाचक संज्ञा? तो बुढ़ापा शब्द क्या है? तो बुढ़ापा शब्द जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहा हूँ, जीवन शब्द का विशेषण है, जीवन जो है इसका विशेषण क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन है, जैविक है, जंतु है, उसके बाद जीवन है, जीवित है। तो यहाँ पे जीव है, यहाँ पे जीव शब्द का विशेषण, तो जीव शब्द का विशेषण क्या होगा? यहाँ पे जैविक हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जैविक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करा, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? हिंदी में वचन के कितने प्रकार है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा, इनमें से राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन है? इनमें से कौन सी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जीवन संदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म जो कब हुआ था? गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था? देखिए ऑप्शन 1903 है, 1906, 1911 और 1899। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देख पाओगे, कारण कारक का विभक्त चिन्ह है, यानी कारण जो ये कारक का कौन सा विभक्त चिन्ह है? को दर्शाता है के, या फिर मैं, या फिर से? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि कविता कौमुदी के कवि है, कविता कौमुदी जो है इसके कवि कौन है? रहीम है, तुलसी है, राम नरेश त्रिपाठी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी राम नरेश त्रिपाठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग है, यानी नेता जो है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री, या फिर हीरोइन, या फिर नेत्रु, या फिर नेतावाइन? चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नेत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा देख पा रहे होंगे, लाल मणि किसका नाम था? लाल मणि जो किसका नाम था? बछरे का, गाय का, खरगोश का, या फिर मोर का? तो लाल मणि किसका नाम था आप लोग पता होगा पढ़ेंगे तो, तेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बछरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा, मंगल की विधा बताएं, मंगल की जो विधा बताना है आपको, क्या कहता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, कहानी, रेखाचित्र, या फिर शब्दचित्र, या फिर क्या कहते हैं? स्मरण, अस क्या कहते हैं? संस्मरण, संस्मरण। चलिए को तो 14 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शब्द चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहीं पे रेखा चित्र शायद लिखा रहता है तो यहाँ पे शब्द चित्रित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, देख पा रहे होंगे मंगल का स्वभाव क्या था, मंगल का स्वाभिमान कैसा था, मंगल का स्वाभिमान जो कैसा था। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 दिया आपके सामने, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गरीबों में स्वाभिमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 16 कह रहा है कि रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे, रहीम जो है कौन किस राजा के दरबार में रहते थे। यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, औरंगजेब है, शाहजहां, अकबर और बाबर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं अकबर के, आप लोग पता होगा इस सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कलई खुलना, कलई खुलना का अर्थ है, कलई खुलना का अर्थ क्या है, देखिए ऑप्शन हाथ टूटना है, भेद प्रकट होना, हाथ की पट्टी खुलना या फिर कलाई टूटना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं भेद प्रकट होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पाओगे क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्या कहते हैं परंपरावादी होना, परंपरावादी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का देख पाओगे जीवन शब्द कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, जीवन संदेश जो कविता है इसमें कवि ने क्या संदेश दिया है। देखिए ऑप्शन 4 दिए हुए आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सतत कर्मशील रहने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 कह रहा है क्या कह रहा है कि संतुष्टि का विलोम, सृष्टि का विलोम जो है क्या होगा, सृष्टि का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 20 का राइट ऑप्शन की बात करूँ तो 20 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रलय, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बनारस आने पर पंत जी का साक्षात्कार किनके साथ हुआ, देखिए 4 ऑप्शन है 11 का किसका, तो 4 ऑप्शन की बात, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरोजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरोजनी नायडू और रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्या कह रहा है कि पुरस्कार का विलोम है, पुरस्कार का विलोम है क्या है, देख पाओगे दंड है, परिश्रमिक है, उसके बाद सम्मान है या फिर अपमान है। तो पुरस्कार का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख पाओगे, तो 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देख पा रहे हो क्या संपत्ति का विलोम है, संपत्ति जो है इसका विलोम क्या होगा, देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में, तो राइट ऑप्शन की बात करूँ 23 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी विपत्ति, संपत्ति का विलोम क्या था विपत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्या कह रहा है कि कौन विद्वान का पर्यायवाची है, कौन यहाँ पे इनमें से विद्वान जो इसका पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए सुधी है, कोविद है, धीर है और सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस पाठ में आया है, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती, ये किस में आया है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी पंच परमेश्वर, क्या हो जाएगा पंच परमेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन जल का पर्यायवाची है, यहाँ पे निम्न में से कौन जो है जल का पर्यायवाची है, नीर है, तो है, वड़ी है, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 27 कह रहा देख पा रहे संध्या और रात्रि के बीच, संध्या और रात्रि के बीच की बोला डैश कहलाती है, क्या कहलाते हैं, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो 27 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोधुली, क्या हो जाएगा गोधुली, 27 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कर देख पा रहे चंद्रशेखर में समास है, चंद्रशेखर में समास है, क्या है समास है, 4 ऑप्शन देख पा रहे तो 28 का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी यानी बहुवी समास, 28 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का क्या कह रहा है कि मंगर की पत्नी का क्या नाम था, मंगर की पत्नी का क्या नाम था, देखिए 4 ऑप्शन दिया आपको, सितुआ है, भकोलिया है, उसके बाद मलुआ है या फिर सावित्री है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 29 का पता आप सभी को भकोलिया था, क्या नाम था भकोलिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है देख पा रहे किस पाठ में आया कि मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता है, ये देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन जाएगा, 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन की बात करें तो 30 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि जरूर आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और हाँ आपको PDF चाहिए, आप तैयारी नहीं की एग्जाम की तो मैं आपको गाइड देता हूँ, उस PDF से आप लोग पहले तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं कोई भी उस PDF को लेना तो इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए 8210777775 और 306 ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उस PDF को ले सकते हैं, अपना अपना सब्जेक्ट का नाम लिख करके उसमें भेज दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो भी है इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेगा। तो वीडियो को मैं लास्ट बार कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं तो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।